टू द चैनल गाय जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो राइस के एक करके इवेंट आ चुका है और ये इवेंट मैं बता देता हूँ आपको कैसे पूरा करना है बहुत ही सिंपल स्टेप्स में तो so, राइस मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ मेन रिवॉर्ड्स मेन रिवॉर्ड्स है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे सीआर फाइव सिक्स की ये वाली स्क्रीन पेंटेड विंस करके और सेकंड है लास्ट में जो आता है फिफ्टीन थाउजेंड पॉइंट पे वैंगाट का ये वाला स्किन इज जस्ट अन जो पहले भी आ चुका है ठीक है अब बात करते हैं ये इवेंट पूरा कैसे करना है तो ये इवेंट पहले भी आ चुका है तो सेम उसी का कॉपी है इसमें आपको ऊपर जो दिख रहे जितने भी प्लेयर्स के नाम है इसमें मेरे में अर्बन ट्रैकर हो गया प्राइस हो गया फिर आगे आपके जो फ्रेंड लिस्ट में रहेंगे उन लोगों के नाम रहेंगे फिर एंड में दो और अर्बन ट्रैकर के तो इसमें ईच टाइम आपको एमपीओ और बी खेलना है एमपीओ और खेलने से आपको मूवमेंट पॉइंट मिलते हैं और जैसे मूवमेंट पॉइंट होता है तो आप गो टू द नेक्स्ट हाउस क्लिक कर सकते हो और जैसे आप गो टू द नेक्स्ट हाउस क्लिक करोगे तो आपको नॉक करने का ऑप्शन आएगा उसके बाद में आपको या तो मिलेंगे या तो आपको एक टास्क मिलेगा टास्क कंप्लीट करने पर आपको पॉइंट ज्यादा मिलती है तो आप जैसे नीचे देख सकते हो तो मेरे पास पॉइंट है मैं ऑलरेडी काफी पॉइंट कवर कर चुका हूं तो आपको जैसे जैसे पॉइंट मिलेगी आपका ये प्रोग्रेस होता रहेगा और आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे तो इज एज सिंपल एज डेथ इसमें कुछ खास नहीं है और गई मैंने फ्री फॉर ऑल खेला हूँ हार्ट पॉइंट खेला हूँ फ्री फॉर ऑल में ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलती है फाइव सिक्स सेवन से ज्यादा पॉइंट नहीं मिलती है मतलब टेन के ऊपर पॉइंट जाता ही नहीं है हार्ट पॉइंट मैंने खेला हूँ हार्ट पॉइंट शिपमेंट हार्ट पॉइंट शिपमेंट में ईच एंड एवरी टाइम थर्टी पॉइंट्स के ऊपर ही मिले है और डेफिनेटली मैं बोलूंगा फ्री फॉर ऑल मत खेलो गो फॉर हार्ट पॉइंट और बिहार मैंने खेल के देखा नहीं तो मुझे बिहार का पता नहीं कितने पॉइंट मिलते हैं और मेरे पास अभी भी नेक्स्ट हाउस जाने जितना पॉइंट है ताकि मैं दिखा ये एक्टली वर्क कैसे करता है तो मैं दिखा देता हूँ सो गुड टू नेक्स्ट हाउस टाइम इसमें फिफ्टी मांगता है क्योंकि अभी तक मैंने फिफ्टी से ज्यादा मांगा नहीं है मेरे पास एटी फोर पॉइंट है तो चलो चलते हैं नेक्स्ट हाउस मैं अराइव हो चुका हूँ अराइव हो चुका हूँ स्क्रीन रूम में और नॉक करेगा एक बार नॉक करेगे तो मुझे सीधा का सीधा डिलीशियस राइस केक मिल चुका है और मुझे मिला है फाइव सिक्सटी थ्री ठीक है तो मेरा हो गया पॉइंट फिफ्टीन फिफ्टीन तो बस ऐसे ही चलना है अभी वापस आया है मुझे मूवमेंट पॉइंट मेरे पास थर्टी फोर है और नेक्स्ट हाउस जाने के लिए मुझे पचास चाहिए ठीक है गाइस तो बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है द बैच ग्लीमर्स एंड ग्लैम विद प्राइड सीम्स टू बी कन्फर्म फिर देखो ये सब ब्लिंक करने लगा है टेलिंग ये भी कन्फर्म है और ये वाला भी ब्लिंक करने लगा है इसको भी कन्फर्म कर देते एक बार नॉट श्योर sure वो क्या था लेकिन गाइज बस यही है आपको एक बार लीडर बोर्ड के रिवॉर्ड भी दिखा देता हूँ इसमें लीडर बोर्ड रिवॉर्ड्स भी है जो कुछ खास नहीं है क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये एक मिलती है एजीआर की रेज द लैंडन करके स्कीन है फिर साथ में एक चॉपर का स्किन मिलता है और 200 हंड्रेड क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं तो लीडर बोर्ड रिवॉर्ड कुछ खास नहीं है ये इवेंट भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आपको एम पी ओ बी आर खेलना है आपकी मूवमेंट पॉइंट जमा हो गए आपको गो टू द नेक्स्ट हाउस करना है नॉक करना है आपको डायरेक्टली पॉइंट मिलेगी या मिशन मिलेगा मिशन मिलेगा तो लेफ्ट साइड में जो ऑल टास्क है उसके अंदर वो आ जाएगा आप वो मिशन जैसे ही कंप्लीट करोगे तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलती है ऑटोमेटिकली नीचे वाले पॉइंट्स प्रोग्रेस करती है आपको रिवॉर्ड मिलता रहता है इज एज सिंपल एज डैट तो होप आपको वीडियो समझ में आई हो और इनफॉर्मेटिव चैनल में नहीं आया तो सब्सक्राइब करो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए Thanks for watching!